नेम प्लेट विवाद पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया था, क्योंकि मुजफ्फरनगर हो या कई जगह ऐसी भी निकल कर सामने आई थी जहाँ पर जब कोई सामान खरीदता था तो दुकानदार कोई और होता था, जिसकी वजह से कई बार टकराव की स्थिति, हंगामे की स्थिति होती थी। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसले जो है वो लिए गए थे। अब बातचीत कर लेते हैं, कुछ कांवड़ यात्री हैं जो एक शिविर में यहाँ पर आराम कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं? बोले हरियाणा से जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत हरिद्वार, हरिद्वार से जल लेके आ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हरिद्वार से लेके यहाँ उत्तर प्रदेश में है अभी आप लोग, उत्तराखंड के बाद, तो क्या कहीं दुकानों पे कोई नाम वाम को देखने को मिला? बहुत सुविधा जोगी ने कर रखी है जी, बहुत अच्छी सुविधा है जी। अच्छा। जोगी ने कर रखी है जी, ऐसी हर साल सुविधा रखे जी जोगी। हाँ। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं जोगी को जी। सरकार के फैसले पर कई लोगों ने जो है उंगलियां उठाई थी, हंगामा काफ़ी हुआ था, वो कह रहे थे कि ये फैसला गलत है, लेकिन सरकार कह रही है कि आस्था का ख्याल हमने किया, उसी के लिहाज से ये फैसला हमने लिया है, तो क्या फैसला ठीक था सरकार का? हाँ जी, बहुत ओके है, सही है जी। अच्छा, हाँ जी, ये भाई। अच्छा, जब लोग आप लोग निकलते हैं जल लेकर वापसी आते हैं, तो आप जब घर से निकलते भी हैं वापसी, किन किन बातों का आप लोग ख्याल रखते हैं, क्या क्या शुद्धता होनी चाहिए? ये जी सारी सुविधा रखनी पड़ती है, बोले जी जहाँ से कावड़ उठा ली जी, अपने नेम उपसारण जी, बोले शंकर जी का नाम जपते रहो, अपने कावड़ लेके जाते रहो जी, बोल शंकर भगवान की जय। सरकार ने यही फैसला लिया था कि भाई आस्था है उनकी, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग ये फैसला ले रहे हैं, तो क्या फैसला ठीक था? ओके सर, बहुत बढ़िया फैसला जी, प्रशासन बिल्कुल रात दिन जी हमारे साथ साथ चल रहा है जी, उत्तराखंड का इनका तहे दिल से धन्यवाद है जी, प्रशासन का जी, और आप भाइयों का जी धन्यवाद है जी, कावड़ियों भाइयों का धन्यवाद है जी। रास्ते में कहीं दुकान वुकान पे कोई नाम वाम देखने को मिले लिखे हुए, सामान वामान खरीदे हों? जी कोई भी नहीं मिला जी फिलहाल तो। अच्छा। जी हाँ जी, कोई नाम नहीं मिला जी किसी बात का भी, कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया यात्रा होने लग रही है जी, पंजाब से जा रहे हैं जी। हाँ जी, चलिए, एक बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, वो भी हैं, ये बताइए जब आप जल लेकर निकल रहे हैं वापसी, तो रास्ते में कहीं कोई दुकान उकान मिली जहाँ पर नाम लिखा हुआ दुकानदार का? नहीं जी। अच्छा, सिपर में बैठे हैं, सिपर में खाना खाया। अच्छा, कहीं नहीं दुकान पे रुके हम। अच्छा, सामान नहीं लिया कहीं से? नहीं लिया। अच्छा। पता क्या है उसमें ना, जो पहले ये चली थी बात के देहरादून में प्याज डाले हैं, इसमें दुकान में नहीं बैठे, सिपर में खाया हमने, जो कुछ भी खाया सिपर में खाया, अच्छी सुविधा ना हुई है। अच्छा, जब आप लोग कावड़ उठाते हैं तो किन किन बातों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता है? हमें अपना जल का ध्यान रखना पड़ता है, अपने सामान का ध्यान रखना पड़ता है, और सावधानी से जो भी बीमार हो उनका साथ दो। शुद्ध शुद्ध रहना पड़ता है, बिल्कुल शुद्ध जगह से सामान वामान खरीदते हैं, खाते हैं, खाते उस शुद्ध दुकान से इसलिए खाते हैं कि ये भोले के पुजारी हैं, वहाँ से खाते हैं, लेकिन फालतू दुकान से नहीं खाते। अच्छा, यही खाते बस, और नहीं कुछ। जो भोले के पुजारी हैं वहीं से सामान लेते हैं आप लोग? हाँ जी हाँ। अच्छा। जो कहते हैं भी हम भोले के पुजारी हैं, उसी खाना खाते हैं, उसी सामान लेते हैं। अच्छा। वैसे किसी और से नहीं लेते। कितने साल हो गए आपको? मुझे हो गए 29 साल। अच्छा, 29 साल हो गए। अच्छा, लगातार लगातार। अच्छा, अच्छा पहली बार देखने को मिला होगा ये सब तो इधर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में? हाँ, अच्छा लगा सब, जब से आ रहे जब से अच्छा लगा। लेकिन कहते हैं लोग दुनिया भी है, यहाँ बाढ़ आ गई, मोदी सरकार ने, योगी ने कुछ नहीं करा, सब कुछ करा है, बहुत अच्छा करा है, हर जगह सुविधाएं है, पहले ऐसे नहीं थी, सड़कें भी कच्ची सड़कें थे, चलते थे दुनिया पब्लिक, लेकिन चप्पल वगैरह यहीं दजते, अब नहीं, अब तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा, इतनी सरकार अच्छी आई है, कद से ज़्यादा सरकार अच्छी आई है, जब सुविधा अच्छी है तो सरकार भी अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो कोर्ट है उसने कहा था कि किसी को जरूरी नहीं है अपना नाम ना लिख के, आप बताइए क्या दुकानों पर नाम लिखना जरूरी है, पता लगे नहीं, किसकी नहीं, दुकान नहीं। है दुकान पे नाम लिखना जरूरी, अच्छा किसी की अच्छी सुविधा नहीं हो तो अच्छा नाम लिखे, पाप अंदर फिर क्या नाम लिखेंगे, जरूरी नाम लिखना, जो भोले को पूजना है तो नाम लिख के पूजेंगे। अच्छा, बस यही है। और भी हैं यहाँ पर, उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी बड़ा ये शिविर है और सहारनपुर के ही देहरादून रोड पर है यहाँ पर ये शिविर। बोले कहाँ से हैं आप? हम पटियाले से हैं। बोले अच्छा, रास्ते में जब सामान वामान लिया तो कहीं दुकान वकान पर नाम वाम दिखे कुछ लिखे हुए ना? बोले हम रुके नहीं है। अच्छा, हम रिसीवर पर रुके। अच्छा अच्छा, ये जो दुकानों पर नाम लिखा जाना जरूरी है ताकि पता लगे किसकी दुकान है ये? हाँ बोले। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक फैसला लिया था कि दुकानदार अपने दुकान पर नाम लिखे जो जो कांवड़ मार्ग पर पड़ेंगी, ताकि जो कांवड़ यात्री है उनको पता लगे कि दुकान आखिर किसकी है, हिंदू की है मुस्लिम की है।
इतना नहीं पता। अच्छा आपको जानकारी नहीं। आप कहाँ से हैं? बलवेड़ा से हैं सर। पंजाब से? पंजाब से। अच्छा पटियाला डिस्ट्रिक्ट। अच्छा पटियाला से आप। ये बताइए जो सरकार ने फैसला लिया था यूपी सरकार ने कि भाई उत्तर प्रदेश के दुकानों पर जो कावड़ मार्ग पर पड़ेंगे नाम लिखे हैं वहाँ पर, चाहे वो दुकान किसी की भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई नाम लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये लिखा होना चाहिए कि वो शुद्ध है शाका। बहुत जरूरी होना चाहिए सर। अच्छा क्योंकि एक सनातनी ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा क्योंकि हम किसी का नहीं, किसी हिंदू या मुस्लिम का नहीं करते, बट लेकिन हम अपना परहेज रख के तुरते हैं जो है नहीं, उसका एक परहेज हो जाता है कि हमें ना तो शराब वाला मिलेगा ना हमें कोई मीट वाला मिलेगा है नहीं, उसका परहेज हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। इसका परहेज होने का हमें पता लग जाए ये किसकी दुकान है, ये एक हिंदू की दुकान है या सनातनी की दुकान है या फिर किसी और की दुकान है, इसका होना जरूरी है। हाँ जी आप क्या कह रहे थे आप बताएं भाई? सत्य है किसकी दुकान होनी चाहिए सामान खरीदने, किस चीज़ का लिहाज होना चाहिए, किस चीज़ का परहेज होना चाहिए? ऐसे होने चाहिए भाई, जब जैसे ला लो कोई सेवा, जैसे ला लो दुकान है ठीक है, जैसे कोई कावड़ी यात्रा आ रहा है, रिसीवर भी नहीं होते रास्ते में, कोई एक आधा रिसीवर होता है, दुकान भी होना चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, हाँ भाई कावड़ी यात्रा आ रही है बैठने लिए होनी चाहिए भाई। दुकान जाए किसी को कोई फर्क तो नहीं है? बस जो अपने भाई ने बताया है आंटे मीट की जो चीज़ बंद होनी चाहिए, ठेका बंद होना चाहिए बस, बाकी सारी सेफ्टी होनी चाहिए। यहाँ पर कावड़ यात्री हैं और राय सबकी यही है कि दुकानों पर नाम जो है वो होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी परहेज जो है इनको करना होता है, कोई नॉनवेज की शॉप ना हो, कोई ऐसी दुकान ना हो जहाँ पर कोई गलत सामान बिक रहा हो, क्योंकि इन लोगों के कई काफ़ी नियम होते हैं कांवड़ को लेकर। जब ये कांवड़ उठाते हैं, कांवड़ उठाने के बाद जब वापसी या शिवालयों तक जाते तब इनको उन्हीं दिनों तक पूरा उनका पालन करना होता है, आस्था को कहीं चोट ना पहुँचे, इसके लिए ये जो है वो सब ज़रूरी बातें हैं जो कांवड़िए जो है बता रहे हैं कि सब चीज़ ज़रूरी होती है। और इसी वजह से सरकार ने जो फैसला लिया था उसको ठीक माने, साफ तौर पर कहने की दुकान पर नाम होना चाहिए ताकि पता चल सके आपकी दुकान किसकी है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इस पर अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन यहां पर हमारे साथ कुछ हरियाणा और पंजाब के जो कांवड़िए थे जो शिविर में ठहरे हुए थे उनसे यहां पर बात की और सबकी अलग अलग जो राय है वो यहां पर निकलकर सामने आई है। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।